जी नमस्कार, क्रिएटर सुपर 30 में आपका स्वागत है। आप पार्ट वन में पास्कल ट्रायंगल को देखा, पार्ट टू में एक्सपेंड करना देखा, अब जो आज देखने जा रहे हैं पार्ट थर्ड में जनरल टर्म और मिडिल टर्म देखने जा रहे हैं। तो जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जनरल टर्म और मिडिल टर्म। a प्लस बी का होल पावर n, n कॉम्बिनेशन जीरो, ये दिया हुआ है। अब गौर से देखेंगे तो जो टर्म है यानी टी आर प्लस वन स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो चूंकि जीरो शामिल है, जीरो क्या है यानी यहां पर हो जाएगा एन कॉम्बिनेशन आर ए के पावर एन माइनस आर और बी के पावर आर, यह स्टार्टिंग से जनरल टर्म ये हो। अब इस पर हमें क्वेश्चन ले लेना a प्लस बी के पावर 10 और इसमें से तेरे को पचमा टर्म निकालना है स्टार्टिंग से, तो यानी इसको t 4 प्लस 1 चूंकि जीरो से शामिल है तो इसलिए हम लोग 4 प्लस 1 लिखा तो 5 हुआ, और यहां पर 10 कॉम्बिनेशन 4 a के पावर 6 और b के पावर 4। इसी ढंग से अगर सातवा टर्म निकालना है तो 6 प्लस 1 तो 10 कॉम्बिनेशन 6 ए के पावर 4 बी के पावर 6, यह आपका आ जाएगा। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि स्टार्टिंग से ही केवल पूछेगा, अगर एंडिंग से पूछेगा तो हम क्या करेंगे, ये अभी हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्टिंग से अब एंडिंग से हम बात करेगा तो a प्लस बी का होल पावर n, n कॉम्बिनेशन जीरो, यहां n कॉम्बिनेशन वन n माइनस वन b के पावर वन, n कॉम्बिनेशन टू n माइनस टू b के पावर टू, डॉट 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 n कॉम्बिनेशन n a के पावर जीरो b के पावर। अगर हम एंडिंग से बात करेगा तो अब बात करते हैं एंड से, तो आपको एक बार फिर से हम संधि विच्छेद करके दिखाते हैं। तो अच्छे से आ जाएगा, यहां एन कॉम्बिनेशन है ए के पावर जीरो बी के पावर एन। अगला जो डेटा होगा वो क्या होगा, n कॉम्बिनेशन n माइनस वन ए के पावर n माइनस वन बी के पावर वन, यानी बात समझ रहे हैं, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगली डेटा क्या होगा बताओ, तो यहां पीला से देखेंगे तो सबको दिखेगा, यहां n कॉम्बिनेशन n माइनस टू ए के पावर आपका हो जाएगा यहां पर, तो उल्टा यहां लिख दिया है ए पावर इसका हो जाएगा और ए पावर इसका हो जाएगा, तो यहां पर ए के पावर टू और बी के पावर एन माइनस टू, यानी ये आपका हो गया। यानी पीछे से अगर हम बात करेंगे टी आर प्लस वन का, तो यहां एन कॉम्बिनेशन आपका, अगर यहां पर तीसरा टर्म की हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं इसमें कोई बात आपको छिपाने की नहीं है,
यानी यह एन कॉम्बिनेशन आर जो आपने लिखा यहां पर, वह आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा यह बात को जानना है। एन कॉम्बिनेशन एन माइनस आर और ए के पावर आर हो जाएगा और बी के पावर एन माइनस आर। यानी आपके पास दो फॉर्मूला है और दोनों फॉर्मूला को अच्छे से जानना है। कि जनरल टर्म की हम बात करें तो इसकी दो फॉर्मूला होगी, एक फॉर्मूला स्टार्टिंग से और दूसरा फॉर्मूला एंडिंग से। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे यहां पर a प्लस बी का होल पावर 10 है और एक बार T4 निकालना है स्टार्टिंग, या उसको हम बिगिनिंग भी बोलते हैं। तो विद्यार्थी यहां पर 3+1 लिख देगा तो डायरेक्ट ले लेगा, तो यहां पर 10 कॉम्बिनेशन 3 a के पावर 7 और b के पावर 3। यानी इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन और इसको बोलते हैं सेलेक्शन। लेकिन यही अगर एंडिंग से रहेगा T4 तो यहां पर T3+1 लिखाएगा तो 10 कॉम्बिनेशन 10 माइनस 3 और a के पावर 3 और b के पावर 7। यानी यहां पर 10 कॉम्बिनेशन 7 हो जाएगा। यह हम समझते हैं कि सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गया है। यानी हम बात करें जनरल टर्म का तो स्टार्टिंग की बात करें या एंडिंग की बात करें, ये बहुत बेहतर से आ गया है। यानी अब हम बात करेगा कि अगर a प्लस बी अगर यहां 20 है और स्टार्टिंग से छठा टर्म निकालना है तो 5+1 हो जाएगा, 20 कॉम्बिनेशन 5 a के पावर 15 और b के पावर 5। लेकिन यही अगर T6 रहता एंडिंग से तो यहां पर T+5+1 20 कॉम्बिनेशन 20 माइनस 5 यानी यहां पर 20 कॉम्बिनेशन 15, 20 में से 15 गया तो 5 और b के पावर 15, ये आपका हो गया। तो आपको प्रतिक्रिया जरूर करना है कि आपने जनरल टर्म को सीखा या नहीं सीखा। अब हम चलते हैं मिडिल टर्म में। अगर हम मिडिल टर्म की बात करेगा तो मिडिल टर्म मतलब बीचों बीच, तो इसके लिए पहले टोटल टर्म का फॉर्मूला जानना होगा। तो आपको यहां पर टोटल टर्म का पहले फॉर्मूला जानिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी ये डॉट 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 आर है, इसका पावर n है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस आर माइनस 1 कॉम्बिनेशन आर माइनस 1। अब आराम से आप निकाल सकते हैं a प्लस सी प्लस डी का होल पावर अगर n है तो यहां n और ये वाला टर्म 4 है, तो 4 माइनस 1 यानी n प्लस 3 और 4 में से 1 गया तो 3। इसी ढंग से a प्लस बी प्लस सी के पावर n होता तो यहां n टोटल टर्म बराबर n प्लस 2 और यहां पर 2। अब यानी a प्लस बी का यहां n है तो n प्लस 1 और 1 बराबर n प्लस 1। यानी बाइनोमियल में जो टोटल टर्म होता है वह n प्लस 1। n तक तो हुआ, 0 हुआ तो 1 शामिल हो गया, यह बात आपका क्लियर हो गया है। अब यहां पर टोटल टर्म तो पता चल गया। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि अगर a प्लस बी का होल पावर 10 है यानी इसका टोटल टर्म जो होगा वह 11 होगा। यानी बीचों बीच की हम बात करेंगे तो यहां पर देखो सिंपल लॉजिक है, आपको क्वेश्चन बनना है। अगर यह इवन है
तो इसका सिंपल एन कॉम्बिनेशन एन बाई टू कर दोगे, ए के पावर एन बाई टू और बी के पावर एन बाई टू, यानी यहां पर 10, 10 यहां पर 5 हो गया, ए के पावर 5, बी के पावर 5। आपको कोई जनरल टर्म में इसको अब ले जाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपने कर दिया। यहां पर ए प्लस बी के पावर 11 है, तो यहां पर टोटल टर्म 12 हो जाएगा। और यहां पर इस सिचुएशन में ऑड रहने पर यहां एन कॉम्बिनेशन एन माइनस वन बाई टू या एन कॉम्बिनेशन एन प्लस वन बाई टू करेंगे, क्या क्या करेंगे। और यहां पर आपका हो जाएगा ए के पावर 2n में से n चला जाएगा तो n और प्लस वन और बाई टू, और b के पावर एन माइनस वन बाई टू। यहां पर पेन को थोड़ा सा चेंज कर देना पड़ेगा, यहां हल करेंगे तो 2n में से n गया तो n, यानी a के पावर n माइनस वन बाई टू और b के पावर n प्लस वन बाई टू। यानी इसको जब हम सॉल्व करेगा a प्लस बी का होल पावर 11, तो यहां पर 11 कॉम्बिनेशन 11 में से एक गया तो 10, 10 बटे 2 तो 5, ए के पावर 6, बी के पावर 5। और यहां ए प्लस बी का होल पावर 11 था, दूसरा इसका हो जाएगा 11, 11 एक 12, यानी ए के पावर 5, बी के पावर 6। यह बात आपका बिल्कुल क्लियर हो गया कि आप जनरल टर्म और मिडिल टर्म दोनों आप बढ़िया से निकाल सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जनरल टर्म और मिडिल टर्म का। यानी यहां पर a प्लस बी का होल पावर n है, पहला हम जनरल टर्म का लिखेंगे और s लिखा हुआ है तो स्टार्टिंग से, तो इसकी फॉर्मूला हो जाएगा, अगर tr प्लस वन निकालना चाहते हैं तो n कॉम्बिनेशन r a के पावर n माइनस r b के पावर r। और यही जनरल टर्म आप एंडिंग से चाहते हैं तो tr प्लस वन n कॉम्बिनेशन n माइनस r a के पावर r b के पावर n माइनस r, यह फॉर्मूला हो गया। अब बात करेंगे हम मिडिल टर्म का, तो a प्लस बी का होल पावर n। अब मिडिल टर्म है तो यहां पर हम मिडिल टर्म को निकालना चाहेंगे, तब यहां पर कैसे निकलेगा मिडिल टर्म का, यह जानना जरूरी है कि मिडिल टर्म हम कैसे निकालें। तो n पर डिपेंड करेगा कि इवन है कि ऑड है। अगर यहां पर यहां डालेंगे कि n बिलोंग टू इवन, तो उस कब सिचुएशन में होगा n कॉम्बिनेशन n बाई टू, ए के पावर n बाई टू, बी के पावर n बाई टू। और n बिलोंग टू ऑड होगा तो उस सिचुएशन में होगा n कॉम्बिनेशन n माइनस वन बाई टू, ए के पावर n प्लस वन बाई टू और बी के पावर n माइनस, या एन कॉम्बिनेशन एन प्लस वन बाई टू, यहां एन माइनस वन बाई टू, बी के पावर एन प्लस वन बाई टू, ये होगा। तो आपको यह कैसा लगा ये आपको बताना है। अगले वीडियो में हम लेके आ रहे हैं कोफिशियंट का, तब तक आप बने रहे। यानी पार्ट थर्ड, ये पार्ट थर्ड था, पार्ट फोर में हम लेके आ रहे हैं कोफिशियंट का, और उस कोफिशियंट में फिर हम सिखाएंगे ग्रेटेस्ट, पहले तो कोफिशियंट निकालना सिखाएंगे, तो कोफिशियंट लेके हम आ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे।